बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, उन्हें सड़कों पर खूब तड़पाया, हिंदू बहन बेटियों के साथ बर्बरता की, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश पर बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने बांग्लादेश को पहला झटका देते हुए उसे कंगाली के रास्ते पर लाने वाला एक्शन किया है, जिसके बाद बांग्लादेश को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होने वाला है। भारत ने बांग्लादेश के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें बांग्लादेश ने BCCI से ICC महिला T20 वर्ल्ड कप भारत में करवाने का अनुरोध किया था, लेकिन बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को भारत ने पूरी तरह ठुकरा दिया है और इस बात का खुलासा खुद BCCI अध्यक्ष जय शाह ने किया है। आपको बता दें कि इसी साल ICC महिला T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर महीने में बांग्लादेश में होने हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए वहां विदेशी टीमें खतरा महसूस कर रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश भी यह टूर्नामेंट कराने में समर्थ नहीं नजर आ रहा है, जिसके बाद उसने भारत से अनुरोध किया था कि वो अपने यहाँ इस टूर्नामेंट को करा लें, लेकिन BCCI ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुओं ने जैसे ही एकजुट होना शुरू किया तो कट्टरपंथी कमजोर पड़ गए। अब हिंदुओं पर हमला करना उन पर भारी पड़ रहा है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश की निंदा भी हो रही है, जिसके बाद अब बांग्लादेश की सरकार खुद आगे आकर हिंदुओं के संरक्षण की बात कर रही है। News Report India.com